हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार. आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है और हमारे देश के 150 करोड़ भारतीयों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा मुझे कौन सा फार्मूला मिल गया, वन फार्मूला टू रिमूव 100% पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक ऐसा फार्मूला जो हमारे देश से 100% गरीबी को हटा देगा. आपको जान के बहुत आश्चर्य भी होगा, है ना, खुशी भी होगी और दुख भी होगा कि वो फार्मूला हमारे देश में आज 75 सालों से था. मेरे ख्याल से उससे भी पहले से होगा, पता नहीं मुझे. और आज वो फार्मूला सोचते 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 अचानक से मेरे दिमाग में आ गया एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, है ना. और आज मैं चाहता हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि वो ऐसा कौन सा फार्मूला है, है ना, वो वन फार्मूला जिस जो हमारे देश का 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, 6.5 लाख विलेजेस, 4,000 सिटीज का सारा गरीबी खत्म कर देगा. ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है, आप लोग सोच के एक बार देखिए. हमारे देश में बहुत सब प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कोशिश करने की कोशिश की. कांग्रेस के गवर्नमेंट में आज मैं आपको फैक्ट्स फिगर से, है ना, लॉजिक है तो मैजिक है जो चीज़ आपको समझना है, है ना, बहुत सिंपल, थोड़ा सा, है ना, दो मिनट आपको लगेगा समझाने में कि किसी ने क्यों नहीं कोशिश की आज तक उस फार्मूले को लागू करने के लिए. बहुत सिंपल फार्मूला है, आप जानेंगे तब हंसेंगे भी, एक्चुअली टू वेरी फ्रेंक. दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, कितना भेदभाव होता है हमारे देश में. और आज से नहीं, जब से आज़ादी मिली, आज 75 साल से ऊपर हो गया, तब से ये भेदभाव हो रहा है. कांग्रेस में सबसे पहले नेहरू जी, है ना, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के लिए प्रधानमंत्री रहे. फिर इंदिरा जी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के लिए. उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट रहे मनमोहन सिंह जी, है ना, 10 ईयर्स के लिए. उसके बाद कांग्रेस में बहुत अदर्स आए, सबने मिलकर 60 ईयर्स राज किया. ठीक है, बीजेपी में वाजपेयी जी 6 ईयर्स और मोदी जी अभी 8 साल से राज कर रहे हैं. तो 14-15 साल का आप कार्यकाल इनका कर सकते हैं, 15 ईयर्स के ऑलमोस्ट इनका कार्यकाल चल रहा है. तो मतलब 75 साल के इतिहास पे 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल से मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट राज कर रही है. इसमें 6 साल वाजपेयी जी ने सेकेंड टर्म में किया था और अभी मोदी जी 2014 से आज 22 चल रहे हैं, 8 साल से ऑलमोस्ट मोदी जी ये कर रहे हैं. मुझे आश्चर्य लगता है कि मोदी जी को भी चीज़ ध्यान में नहीं आया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो कि एक बिजनेसमैन दिमाग रखते हैं, वो खुद गुजराती है, उनको भी वो दिमाग में क्यों नहीं आया कि वो जो हिंदुस्तान में इतने सारे स्कीम्स चला रहे हैं वो सब बेकार है, क्योंकि वो गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है. हमारे देश में 80% लोग ऐसे गरीब हैं, पुअर पीपल हैं, उनको तो कोई, मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोई सही डेटा ही नहीं बताता है कि 80% ऐसा लोग जिनकी आमदनी 100 रुपये से भी कम है पर डे बेसिस पे, 100 रुपीज से भी कम है, मतलब 3,000 रुपये महीने से भी कम कमाते हैं 80% लोग. अब 20% लोग में से, है ना, सिर्फ 5% लोग सुखी हैं, जिनके पास तीनों टाइम खाने का है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 5%. और इसमें 95% जो है उनकी हालत है, कभी घृत कना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, उसमें मैं भी हूँ. टू बी वेरी फ्रेंक, मैं इस बात को कभी नहीं झुटलाऊंगा, मैं इस 20% के, इस 95% कैटेगरी में हूँ, चाहे भाग्य की वजह से रहूँ चाहे किसी भी वजह से रहूँ. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो. इसी से रिलेटेड मैंने कितना सारा यूनिमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बनाकर आप लोगों को मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, जाकर देखो, पूरी लर्निंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा. और मैं आप लोग बता दूं, 15 दिन पहले से मैंने अपना पेड न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी भी शुरू कर दी है, सिर्फ 105 रुपये से स्टार्ट किया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है सारे सर्विसेज का, जिस तरह की सर्विसेज लेनी है वहाँ जाओ, आप देखो, आप उस सर्विसेज के माध्यम से कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अपना डिटेल्स भेजिए, पैसे भेजिए, सर्विसेज लीजिए. और कोर्सेज करना है तो मेरे abpuniversity.org वेबसाइट पर जाइए, एकदम सस्ते में सबसे अच्छा, चीप एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड कोर्सेज, न्यूमोलॉजी का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेस में करवा रहा हूँ. इससे सस्ता कुछ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, मानो या ना मानो. अब चलते हैं, आपको बताते हैं इस फिगर के बारे में, है ना, ये फिगर क्या है. तो 80% लोगों का आमदनी 100 रुपये से कम है,
20% में 5% लोग सुखी हैं जिनके पास सब कुछ है ना, 3 टाइम खाने का है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, लग्जरी कुछ लोगों के पास तो बहुत लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है, कम्फर्ट्स है, और कुछ लोगों के पास वो सब नहीं है लेकिन कम से कम कम्फर्टेबल। 95% लोग कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना के स्थिति में है, उसमें मैं भी आता हूँ। एकदम 2-3 साल खूब अच्छा रहता है, फिर एकदम नीचे गिर जाते हैं, फिर 6 महीने तक फिर स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चला रहता है, जो भी वजह हो, जिसकी वजह हो, है ना। इन सब का सॉल्यूशन है मेरे पास आज के डेट में। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये संजोग से मिल गया आज के व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा। एक मित्र का एक व्हाट्सअप मैसेज फॉरवर्ड होकर मेरे पास आया और उस टॉपिक पे मैं आज करीब बहुत सालों से सोचता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। आज मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, है ना। तो हमारे देश में 14 साल इन्होंने किया, 60 साल इन्होंने किया, लेकिन उस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया आज तक। और हमारे देश में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैं बता दूं कि हमारे देश का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो है शिक्षा विभाग है। जब शिक्षा विभाग ही बेईमान डिपार्टमेंट है आपका, जहां से शिक्षा शुरू होता है, तो आप लोगों को क्या शिक्षित करेंगे देश में। मैं स्कूल चलाता हूं, मुझे मालूम है ना कि शिक्षा विभाग कितना बेईमान डिपार्टमेंट है ना। यहां तो हिंदुस्तान के लोगों के खून में बेईमानी है, आप किसी को ठीक नहीं कर पाओगे, आपको गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि आपके खुद के सांसद भवन में बैठने वाले MP MLA 80% बेईमान है, सिर्फ 20% ईमानदार है, और 80% बेईमान लोगों ने उन 20% को ढक रखा है। इसीलिए आप कोई भी स्कीम उस्कीम सब बंद करिए, उस सब ढकोसला है, सब बेईमानी है, खाली पैसा खाने का वो तरीका है, उससे कुछ नहीं होगा सर, कहीं उस गरीब लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, इस 80% लोगों तक नहीं पहुंचता है, ये 5% लोगों तक पहुंचता है ना, जो कि ऑलरेडी सक्षम कैटेगरी में सब वही खा जाते हैं या ले लेते हैं या उनको जुगाड़ मालूम है। 95% में कुछ लोगों को मिलता है, ये तो जो एक्चुअल गरीब है उनके पास तो पहुंचता ही नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है ना, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे 100% पॉवर्टी रिमूव हो सकता है हिंदुस्तान से, क्योंकि सबसे बड़ा खाने का प्रॉब्लम है सबके सामने। खाने की प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि लोगों को कमाना पड़ता है कि कमाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है, 6.5 लाख विलेजेस में रहने वाले वो गरीब। और हमारे देश में 100 करोड़ लोग विलेज में रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आपके सामने डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर एकदम गलत प्रस्तुत किया जाता है, आपको एकदम गलत तरीके से बताया जाता है, आपका एक भी सलाहकार आपका अपना ढंग से बात, मतलब ढंग से आपको डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताता है, सब कुछ जानने के बावजूद 6.5 लाख विलेज से ज़्यादा ही विलेज होगा, कम नहीं होगा, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। 100 करोड़ जनता यहाँ रहती है और 4000 सिटी है हमारे देश में जिसमें कि सिर्फ 50 करोड़ जनता रहती है, 150 करोड़ पॉपुलेशन आपका दिसंबर 2022 तक हो जाएगा हिंदुस्तान का, और पूरे वर्ल्ड का 800 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगा। तो हमारे देश के गरीबी को हटाने का यहाँ तो लोग गरीबों को हटाने पर लगा हुआ है। मजेदार बात तो ये है, आज तक 75 साल में लोगों ने किया कि हमारे देश के नेताओं, MLA, MLC, MP, चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े नेताओं ने किया क्या। आपको जान के हैरानी होगी, आज जो मेरे पास डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर आया, मैं जान के हैरान हो गया कि हमारे देश के MLA, MP, MLC, CM, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके सुरक्षा गार्ड, पुराने लोग रिटायर हो चुके, उन सबको मिला के 100 अरब 10,000 करोड़ रुपीज खर्च होता है साल का। ओ माई गॉड, मैं ये फिगर देख के शॉक्ड हो गया हूं। उनके वेतन सैलरी पे, उनके अलाउंसेस पे, एक MLA को सैलरी प्लस अलाउंसेस मिला के महीने का 2 लाख रुपए मिलता है महीने का, एक MP को 5 लाख रुपए महीना मिलता है, और उनके सुरक्षा गार्डों का सब मिला के, उनके खाने पीने खर्चा लेके, देश विदेश का सैर सपाटा सब मिला के 100 अरब 100 अरब रुपया खर्चा, मतलब 10,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन $1 बिलियन US डॉलर। ये एकदम शॉकिंग है मेरे लिए। आज जो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा हूँ, फिर मैंने सच में गूगल में सर्च मारा, कहते मैं तो फिर गूगल में सर्च मारना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तो वो तो बात सत्य है। और वो हमारा पैसा, मतलब हम पब्लिक का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, उनको आप टैक्स फ्री सैलरी देते हैं और हम लोगों से टैक्स लेते हैं आप, कितना बड़ा भेदभाव, बिल्कुल इक्वलिटी नहीं हमारे उसमें, क्योंकि हम कॉमन पब्लिक है, हमने चुनकर आप उनको बनाया, आपको बनाया, और हम लोग पर इतना जुल्म, पहला जुल्म। और दूसरा जुल्म जो आप कर रहे हैं सर, जो कि आपको बताया नहीं गया या आप
जानते हैं, लेकिन सर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी है, आप एक सम्राट है जो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख रहा ऐसा प्रधानमंत्री, इसका मतलब आप बहुत ईमानदार है सर, क्योंकि माँ के प्रति जो अटैचमेंट इमोशन होता है ना वो किसी के प्रति नहीं होता है, लेकिन आपने अपनी माँ को भी अपने साथ नहीं रखा, इसी से पता चलता है कि आप कितने ईमानदार आदमी हो। आपने अपने किसी भाई को बड़ा बड़ा पोस्ट नहीं दिया है ना, किसी को मंत्री संतरी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, इसी से पता चलता है कितने ईमानदार। इसलिए मैं आपको संबोधित करके बता रहा हूँ कि जिस नेता MLA MLC MP राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, है ना, जिनको 80,000 रुपया सैलरी मिलता है पर मंथ अलाउंसेस के साथ, 2,00,000 रुपया MLA के लिए, MLC के लिए, और उन लोगों को आपने इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन में 29 रुपये का थाली मिलता है उनके लिए, 29 रुपीज का फूड, मतलब 80,000 रुपये कमाने वाले लोगों को आप 29 रुपये का थाली देते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी मिलता है सर ये 29 रुपये का थाली, किसी भी जगह पर आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल छोड़ के आपको कहीं नहीं मिलेगा, वहां पे 2 पीस मछली और चावल 29, आजकल वो भी बढ़ गया, वो भी 30 रुपये का हो गया, 1 रुपये महंगा हो गया, अब तो मेरे ख्याल से 35 से 40 रुपये का आता है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन का जो मेनू कार्ड मैंने देखा आज गूगल सर्च में, पता चला कि चाय 1 रुपये की मिलती है, चिकन वहां सिर्फ 24 रुपये का मिलता है, मछली सिर्फ वहां पे 18 रुपये का मिलता है, दाल 1.5 रुपये का मिलता है। बस सर आपको गरीबी हटाना है ना, सब स्कीम बंद करिए, वो सब ढकोसला है, पैसा लोगों तक नहीं पहुंचता है, गरीबों तक, वो सब बर्बाद हो रहा है, सब खाली सबके आपके MLA MLC MP के पॉकेट में जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि सर हर 5 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर एक इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन जैसा ही सब जगह कैंटीन, पूरे 6.5 लाख विलेज, 4,000 सिटी, सारे ब्लॉक, सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज में खुलवा दीजिए, जहाँ की लोगों को 2 टाइम भी खाना कम से कम 58 रुपीज में मिल जाएगा सर। इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट के मोन्टेक सिंह आहलूवालिया ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो 32 रुपये कमाता वो भी अमीर आदमी है, कितने बेशर्मों की तरह कहा था उन्होंने, 32 रुपये कमाने वाला आदमी अमीर रहता है, अपने 5-स्टार 7-स्टार होटल ठहरते, वहाँ पे 32 रुपये में खाना खाकर दिखलाइए तो मैं मान जाऊँ। 29 रुपया में आप कैंटीन में इंडियन पार्लियामेंट के उन MLA MLC नेताओं को खिलाते हैं पर वहां पे जिनका 80,000 रुपया सैलरी हो, सब मिला के महीने का उसको 2,00,000 रुपया मिलता है, और उन गरीबों का क्या सर, 80% लोगों का क्या जिसको 100 रुपये से भी कम आमदनी है, तो ऐसे लोगों को तो बरदान हो जाएगा। आप इंडियन पार्लियामेंट से कैंटीन पूरे देश में खुलवा दीजिए, हर 10 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे, हम लोग वहीं खाएंगे जाके, घर पे खाना ही बंद, गृहिणी तो बहुत खुश हो जाएगी, वहीं से पार्सल करके मंगवाएंगे, 3 टाइम का खाना, पूरा 100 रुपये के अंदर आएगा खाना सर, 3,000 रुपये महीने में हमारा खाना हो जाएगा, जो आज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटा खटते हैं, वर्कशॉप करते हैं, क्लासेस प्रोग्राम देते हैं, 16-16 घंटा चला जाता है, गधे की तरह मजदूरी कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम सबका सॉल्व हो जाएगा। इसमें वो 95% लोग कवर हो जाएंगे जो आज तकलीफ में है, जिनको इंडियन कैंटीन, इंडियन पार्लियामेंट कैंटीन जैसा का खाना मिला तो उनका सब प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि 100 रुपया पर डे खर्च करना बहुत आसान है एक आदमी पे, और 3 टाइम का खाना 100 रुपये के अंदर, गरीब लोग सिर्फ 2 टाइम खाते हैं सर, आपको पता भी है, आप तो खुद इतने गरीबी से उठे हैं, उसके बाद भी आपने जानने की कोशिश नहीं की, इतना भेदभाव, वो भी इंडियन पार्लियामेंट में, ये तो मुझे कभी क्लिक ही नहीं किया, आज मुझे जाके क्लिक किया कि जिन नेताओं को हम बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री हमने बनाया, आपके MLA MLC को हम पब्लिक ने बनाया, और उनको ही आपने गरीबी रेखा के नीचे रखा छोड़ा है, और आप लोग को इतना सैलरी मिलती है, इतना महंगाई भत्ता मिलता है, ऊपर से बेईमानी का पैसा कमा रहा है आपका सारा सिस्टम, है ना, 80% बेईमान लोग, उसके बाद उनको 29 रुपये का खाना दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस देश के सम्राट हैं, एम्पायर हैं, एक बहुत ही बेहद ईमानदार आदमी मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि जो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशंस अगर किसी व्यक्ति को होता है वो अपनी माँ के साथ होता है, इसका मतलब आप बेहद ईमानदार आदमी है। तो आज अगर मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचता है, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा देखने वाले लोगों को कि उनके तक अगर वीडियो पहुँचा सकते हो, अगर आपकी पहुँच है प्रधानमंत्री तक, तो इस वीडियो को जरूर पहुँचाना, और उनसे रिक्वेस्ट करवाना कि 29 रुपये वाला थाली पूरे देश में ऐसा कैंटीन खोल जाए, इंडियन पार्लियामेंट का कैंटीन हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में,
6.5 लाख विलेज 4000 सिटी में सारा देश कवर हो जाएगा। उस देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी, गरीब लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा खाने का, क्योंकि 100 रुपया तो कम से कम लोग कमा ही लेता है किसी ना किसी तरह से। और दो टाइम सिर्फ खाना है, 58 रुपीज उनको खाली खर्च करना है, क्योंकि दो ही टाइम खाते हैं, भरपेट खाते हैं, दो टाइम खाते गरीब लोग। मिडिल क्लास तो 3 टाइम खाते हैं, अमीर लोग अपने हिसाब से जितना मर्जी 6 टाइम खाए 8 टाइम खाए, वो तो खाए खाते ही नहीं, वो तो खाए जूस पीते रहते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी ये वो है ना, सेलिब्रिटी का खाना खाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि वन फार्मूला टू रिमूव 100% पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। यस, इंडियन पार्लियामेंट जैसा कैंटीन 29 रुपये की थाली, मतलब 100 रुपये से कम भी कम में आपको पर डे का खाना अवेलेबल हो जाएगा, अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन पार्लियामेंट वाली जैसी कैंटीन पूरे देश में हर 5 से 10 किलोमीटर पर अगर उन्होंने खुलवा दिया, तो उनको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गैस सिलेंडर फ्री बांटने की ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 रुपये में गेहूँ देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में राशन बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुशला है, सब दिखा हुआ है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप तो कर नहीं रहे, आपके लोग करेंगे। आहुल तो इतने बेईमान हैं कि वो तक पहुँच नहीं देता है। कोविड 2 साल में हम लोग अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है यार, अब भूखे मरते देखा है। मेरी कैसी हालत हो गई मैं खुद जानता हूँ, अगर मेरे बड़े भाई मेरी छोटी बहन नहीं होती थी तो आज मैं खुद सुसाइड कर चुका होता था, ऐसी हालत हो गई थी। तो मैं दूसरों की क्या कहूँ, कितना माथे पर कर्जा आ गया, स्कूल बंद हो चुका है 2 साल से, कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ, सरकार मदद करने को तैयार नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें करती कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते उसके बाद ही मदद करने को तैयार नहीं, खाली अपना पॉकेट पेट भरने पे लगा होगा सब लोग। इस फॉर्मूला को आप लागू करके दिखाइए, तब मैं जानूं कि सही मामले में आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, और आप एक ईमानदार जो छवि है आपकी वो कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी, और देश का पूरा गरीबी खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते तो उनके तक जरूर पहुंचा देना आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, अगर पसंद आया तो, है ना, जिससे कि फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। इसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अभी जो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के, मतलब उनके गिराने के लिए 16 पार्टी मिल के जो प्रधानमंत्री बनने के रेस में सब दौड़ लगा रहे हैं, उसका एक एक करके मैं सबका वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कौन न्यूमोलॉजी के हिसाब से, ल्यूसोरिडिलाइसिस के हिसाब से कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनके नेम नंबर के हिसाब से। उसमें सबसे पहले मैं जो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट हैं राहुल गांधी जी, पहले उनका बनाऊंगा, है ना, फिर अपने, चूंकि मैं हैदराबाद में रहता हूं तो मैं KCR साहब का बनाऊंगा, फिर प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, इस तरह से उन सब नेताओं का बनाऊंगा जो इस रेस में शामिल हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उनको मैं ये बता दूं न्यूमोलॉजी का, ल्यूसोरिडिलाइसिस के माध्यम से, कि पहले भाग्य को जान लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए, पहले जान लीजिए कि आपके भाग्य में बनना लिखा भी है कि नहीं है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मोदी जी के ऊपर जितना पत्थर मारेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे, वो सब उल्टा आपके ऊपर पड़ेगा और आपका ही छवि खराब होगा, आपका ही इमेज खराब होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी पीपल।